कोरोना की विषम परिस्थितियों में जहां पूरा विश्व एक त्रासदी झेल रहा था, उस समय इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया कि देश में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा। और इस निर्णय को जमीनी हकीकत से रूबरू कराया भारतीय खाद्य निगम ने। इस योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों द्वारा मिशन मोड पर दिन रात एक करते हुए यह सुनिश्चित किया गया कि देश के किसी कोने में खाद्यान्न की कमी न रहे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत उत्तर प्रदेश की 14.71 करोड़ जनसंख्या को प्रतिमाह उनके नियमित आवंटन के अतिरिक्त 5 किलो प्रति व्यक्ति अनाज मुफ्त उपलब्ध कराया गया। अब तक भारतीय खाद्य निगम उत्तर प्रदेश द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार को कुल 103 लाख मीट्रिक टन से अधिक खाद्यान्न निर्गत किया जा चुका है, जिसका मूल्य लगभग 37,000 करोड़ रुपए है। जहां एक तरफ भारत सरकार ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से देश की जनता को अनाज मुहैया कराया है, वहीं दूसरी तरफ कृषकों को उनकी फसल का उचित मूल्य प्रदान करने हेतु MSP पर खरीद लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश में भी गेहूं और धान की रिकॉर्ड खरीद जारी है। खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 के दौरान प्रदेश में 10.22 लाख कृषकों से सीधे 66.84 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई, जिसके फलस्वरूप कृषकों को कुल 12,489 करोड़ रुपयों का भुगतान उनके बैंक खातों में MSP के रूप में किया गया। ये प्रदेश के इतिहास में अब तक की सर्वाधिक खरीद है। इसी प्रकार से हाल ही में संपन्न रबी विपणन वर्ष 2021-22 के दौरान प्रदेश में 12.89 लाख कृषकों से रिकॉर्ड 56.41 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया, जिसके फलस्वरूप भी कृषकों को 11,141 करोड़ रुपए का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में MSP के रूप में किया गया। वर्तमान में जारी खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 के दौरान भी राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में 70 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, हमने एक उनको सुझाव दिया था कि हम टेक्नोलॉजी नेटवर्क खड़ा करें, रियल टाइम डाटा के लिए हम आग्रही बने और तब जाकर के हम तय कर सकते हैं कि किस जगह पे किस चीज की जरूरत है, जिसकी प्राप्ति हेतु भारतीय खाद्य निगम, राज्य सरकार तथा अन्य एजेंसियां निरंतर तत्पर। डिजिटल इंडिया अभियान के तहत भारतीय खाद्य निगम द्वारा संचालित गोदामों में डिपो ऑनलाइन व्यवस्था लागू की गई है, जिसके अंतर्गत गोदामों का समस्त कार्य ऑनलाइन किया जा रहा है। इसी कड़ी में धान एवं गेहूं की खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने हेतु राज्य सरकार एवं भारतीय खाद्य निगम द्वारा टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए विभिन्न कदम उठाए गए हैं, जिसका फायदा सीधे कृषकों को पहुंच रहा है। इनमें मुख्य है कृषकों की भूमि का ऑनलाइन सत्यापन, ई पॉप मशीनों के माध्यम से कृषकों के बायोमेट्रिक सत्यापन के उपरांत खरीद, कृषकों के बैंक खाते में सीधे न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान, भारतीय खाद्य निगम के गोदामों पर गेहूं एवं चावल की ऑनलाइन प्राप्ति, राज्य एजेंसियों द्वारा ऑनलाइन बिलिंग तथा भारतीय खाद्य निगम द्वारा उनको भुगतान। देश में कोरोना काल हो या हो सूखा, मोदी जी का वादा है कोई न रहेगा भूखा।